विधि, मेंसुरेशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, चतुर्भुज। चतुर्भुज के आज मैं हम तीन प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहली वन, दूसरी आयत, तीसरी समलंब। एग्जाम्पल के तौर पे है आपके लिए। तो इन तीन चतुर्भुजों के बारे में आज बात करेंगे। पहला वर्ग। वर्ग होता क्या है? ये एक चित्र है वर्ग का। इसमें ये वाली साइड चारों साइड बराबर होगी, चारों साइड बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री का कोण हर एक एंगल पे बन रहा होता है। 90 डिग्री का कोण और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। कभी भी जब भी हमें क्षेत्रमिति में वर्ग का परिमाप पता करना हो तो चारों साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे, अगर हम जोड़ेंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों साइड को जोड़ने पे हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म है कि चार गुना भुजा। ये इसका असल में सही फॉर्मूला है, चार गुना भुजा। ये होती है एक भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। इनमें से एक भुजा को चार से गुना करने पर वर्ग का परिमाप पता चल जाता है और इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये एरिया होता है, ये सारा एरिया वर्ग का क्षेत्रफल होता है। जो चारों भुजाओं ने एरिया कवर किया है उसको वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई एक भुजा, कोई चारों में से एक भुजा और उसके समानांतर दूसरी भुजा, उसके साथ वाली कोई, अगर हम ले रहे हैं ए डी, उसके साथ या तो गुना होगा ए बी या गुना होगा सी डी। कोई दो भुजाओं को गुना करने पे हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा।